400 सीट चाहिए संविधान बदलना। 24 में आपने जीतने के बाद मन बना लिया है कि आप आरएसएस का, संघ का और नागपुर का संविधान देश में लागू करेंगे, जो संविधान कहता है आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार, वो आप उनसे छीनना चाहते हैं। नौजवानों को जो अधिकार मिला है वो आप छीनना चाहते हैं। किसानों की एमएसपी का जो अधिकार मिला है वो आप छीनना चाहते हैं। जो एक वोट का अधिकार मिला है वो अधिकार आप छीनना चाहते हैं। क्या मंशा आपकी संविधान बदलने? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को आपने दिल्ली में सर्विसेज के मामले में जो फैसला था उसको देश के अंदर, संसद के अंदर बदल दिया। भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं, उनके सांसद, उनके नेता घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं। ये 400 सीट उनको अपने काम पे नहीं चाहिए, इस बात पे भी नहीं चाहिए कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया, नौकरियां दी कि नहीं दी, महंगाई कम किया कि नहीं किया, किसानों की आय दोगुना हुई कि नहीं हुई, सबको पक्का मकान मिला कि नहीं मिला, काला धन आया कि नहीं आया, 15 लाख खाते में गया कि नहीं गया, इन सवालों पे वो चुनाव में वोट नहीं मांग रहे हैं, अपने किसी काम की चर्चा नहीं करते। इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार हो, चाहे नोटबंदी का भ्रष्टाचार हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करते वो, चाहे पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ माफ करना हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं। क्या 400 सीट दे दो संविधान बदलना है? 400 सीट दे दो संविधान बदलना है। और ये इनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी एक सभा में खुलेआम कह रहे हैं 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी की सांसद की प्रत्याशी कहती है 400 सीट चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है बीजेपी सरकार के, वो कहते हैं 400 सीट दे दो संविधान बदलना है। और अभी जो ताजा मामला आया है वो मेरठ के प्रत्याशी जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं, अरुण गोविल जी, अरुण गोविल जी बयान दे रहे हैं 400 सीट चाहिए संविधान बदलना है। तो आप भारत का संविधान बदलना चाहते हैं? इस देश के 85% लोगों को जो अधिकार मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार, वो आप उनसे छीनना चाहते हैं? नौजवानों को जो अधिकार मिला है वो आप छीनना चाहते हैं? किसानों की एमएसपी का जो अधिकार मिला है वो आप छीनना चाहते हैं? जो एक वोट का अधिकार मिला है जिसके कारण बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जनता के सामने सर झुकाते हैं, वो अधिकार आप छीनना चाहते हैं? क्या मंशा आपकी संविधान बदलने से? क्योंकि हमने देखा है संविधान बदल के आपने क्या किया दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को आपने दिल्ली में सर्विसेज के मामले में जो फैसला था उसको देश के अंदर, संसद के अंदर बदल दिया। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया, उस फैसले को आपने संसद में बदल दिया। तो आपकी मंशा जाहिर है, आप नागपुर का संविधान इस देश में लागू करना चाहते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, उससे अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जान की बाजी लगा के हम लोग लड़ने का काम करेंगे। बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करने नहीं देंगे, आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे आपको, आपको किसानों के हक नहीं मारने देंगे, युवाओं के हक नहीं मारने देंगे। आपने संविधान बदला है, ट्रेलर दिखाया है 2019 से 2024 की सरकार ने, और 24 में आपने जीतने के बाद मन बना लिया है कि आप आरएसएस का, संघ का और नागपुर का संविधान देश में लागू करेंगे, जो संविधान कहता है आरक्षण तो खत्म होना चाहिए।